सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, माइक ऑन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सभी को, जुड़ते जाइए। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह सभी का मोस्ट वेलकम है, माइंड फोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सबका क्लियर है क्या? चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है क्या? चलिए शुरू करें हम लोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का एक मोटिवेशन कोट के साथ। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। जितेंद्र जी, मीना, अनामिका जी, सभी को गुड मॉर्निंग। कन्हैया, विधि, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठो चलो, देखो क्या होता है, उठो चलो, आगे बढ़ो, मन की आवाज सुनो, खुद के सपने साकार करो, अपना भी कुछ नाम करो, तुम भी सपनों में उड़ान भरो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन क्या होता है कि जो वो चाहता है अगर उसे मिल जाए तो, इसलिए बोला जाता है कि सुबह उठ के जो हमारे मन में जो सबसे माइंड का जो संतुलन करने वाली बात होती है वो हमारा होता है मेडिटेशन। और जब हम दिमाग को संतुलन कर ले तो दिन भर की जो हमारी दिनचर्या होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज की हम बात करते हैं। सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति आप लोगों को, हमारी ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आज हम 14 जनवरी हैप्पी मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, और पतंग फेस्टिवल भी हम इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा धूमधाम से इसे गुजरात में भयंकर रूप से मनाया जाता है, और गुजरात में इसका भयंकर क्रेज होता है। तो इसीलिए याद है कि हर स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जहां पे गुड़ और तिल का एक सबसे बड़ा होता है, और हैप्पी लोहड़ी भी हम बोल सकते हैं जो सबसे ज्यादा होता है। और ये जो आपके पास मकर संक्रांति का, मैंने सोचा चलो आपको दिखा दें, हल्का सा इसके बारे में भी दिखा दें कि क्या हमारे पास लेके चलना है। ठीक है, चले, क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टोटल 26 राज्यों में मनाया जाता है, और 26 राज्यों में मकर संक्रांति का 16 नाम है। मतलब टोटल 26 राज्यों में मकर संक्रांति को 16 नाम से मनाया जाता है। अब जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में इसे लोहड़ी बोलते हैं। और उसके बाद सबसे पहली बात है, ये जरूर आपसे पूछा जाता है कि कहां पर किसको क्या बोला जाता है। तो मैं आज के फेस्टिवल के बारे में बता दूं कि हर जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और सबसे पहले हम कश्मीर की बात करें तो शिशुर संक्रांत के नाम से जाना जाता है, शिशुर संक्रांत के नाम से। हिमाचल प्रदेश में हम माघ साजी बोलते हैं इसको, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में इसे लोहड़ी बोला जाता है, उसके बाद उत्तराखंड में उत्तरायणी बोला जाता है इसे, और इसलिए मैंने बोला कि सबसे ज्यादा, और गुजरात में इसे उत्तरायण पर्व बोला जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि उत्तरायण पर्व कहां पर मनाया जाता है, ये सारी चीजों को मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में, ये सारे राज्यों में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर हम मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं, या बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो उसे यहां पर मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता था। मैंने सोचा कि कुछ फेस्टिवल के बारे में भी हम आपको बता दें। और यही आप अगर चले जाइएगा झारखंड, तो वहां पर टीसू पर्व के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में मकर चौल के नाम से जाना जाता, और पौष संक्रांति जाना जाता पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। और माघी बिहू, तो माघी बिहू बोला जाता है कहां पर दोस्तों, तो माघी बिहू कहां पर, बिहू फेस्टिवल कहां का, इसे भी पता होगा, असम का, असम और मेघालय में इसे माघी बिहू बोला जाता है। तो सभी लोग जुड़ते जाइए। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छे से एकदम मस्त शेयर कर दीजिए वीडियो, और अपने पड़ोसी को भी जगा लीजिए, सभी को गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे का, और हमसे ये पूछा गया कि बताइए कि हाल ही में इसरो के नए जो प्रमुख बनाए गए हैं, तो बताइए इसरो के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो इसरो के जो प्रमुख नियुक्त किए गए उनका नाम क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश की आन बान शान है, जितने भी हमारे यहाँ सैटेलाइट सिस्टम होता है वो सारे ये कंट्रोल करते हैं, और जहां पर भी
हमारे यहां स्पेस में, अंतरिक्ष में अगर कुछ नए हमें प्रक्षेपण करना हो तो उसमें इसरो का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो इसरो के नए जो अभी बने हैं जिनको हम बोल सकते हैं चेयरमैन या चीफ, तो इसरो के नए चीफ बने हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ जी को बनाया गया किसका, इसरो के नए चीफ। और ये जो बने हैं दोस्तों किनको रिप्लेस करके बने हैं, तो के सिवन, तो के सिवन को ये रिप्लेस करके बने हैं। तो इसरो के जो पहले डायरेक्टर थे वो कौन थे, चेयर चीफ, वो थे के सिवन, और उनके जगह इनको रिप्लेस करके बनाया गया। तो दोस्तों ये कहां पर पोस्टेड थे, तो भाभा स्पेस रिसर्च सेंटर, अपने विक्रम साराभाई, ये कहां पे थे, तो विक्रम, तो विक्रम साराभाई, ध्यान से सुनिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहां पर है दोस्तों, तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में जो है इसका मुख्यालय। और तिरुवनंतपुरम की जब हम बात करते हैं ये किसकी राजधानी है दोस्तों, तो ये केरल की राजधानी है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है 1963 में इसके इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और विक्रम साराभाई जो थे ये कौन थे दोस्तों, जिसे भारत में न्यूक्लियर का सब कुछ माना जाता है अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए सबसे जाना जाते हैं। और सोमनाथ जी, एस सोमनाथ कहां पर थे, तो विक्रम साराभाई में थे। ये किनके जगह भी बनाए गए हैं, तो के सिवन के जगह इनको बनाया गया। तो याद रखिएगा कि इसरो के नए प्रमुख अभी किसको बनाए गए दोस्तों, तो के सिवन को, ये एस सोमनाथ, यही है एस सोमनाथ। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये अभी कहां पर थे दोस्तों, तो ये विक्रम साराभाई में ये डायरेक्टर थे। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ये कौन थे, तो ये वहां पर ये डायरेक्टर थे, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। याद रखिएगा ये जो सारी बातें हैं ये बहुत फेमस है, इसलिए इसको नोट भी करते जाना। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसरो का, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसलिए भी देखना सारी चीजें मैक्सिमम आपको रिसर्च और डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा ये कहां दिखेगा, साउथ इंडिया में। जैसे बेंगलुरु अगर हम बात करें तो ये किसकी राजधानी है, कर्नाटक की, तो कर्नाटक में इसका क्या है, मुख्यालय है। और इसरो अभी जो हमारे यहाँ गगनयान मिशन चलने वाले हैं, तो गगनयान मिशन जो है ये इसरो चला रहा है, ये सबसे ज्यादा फेमस मिशन है। उसके बाद आपने मंगलयान 2 का आपने नाम सुना है, तो मंगलयान 2 भी मिशन किसका है, इसरो का। उसके बाद एक हमारे पास जो स्पेस एजेंसी है, तो जितने भी हमारे यहाँ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता PSLV, इन्होंने जो ज्वाइन किया था एस सोमनाथ, ये एक्चुअल में विक्रम साराभाई में ज्वाइन किया था, और उस समय इनको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी दिया गया था। और इसीलिए इनको जो है इनमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और जो नए नए टेक्नोलॉजी पर जो रिसर्च होते हैं उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान। हाँ जी, सभी लोग जुड़ते जाइए, बिल्कुल इसको शेयर भी करिए। और चंद्रयान भी कब लॉन्च हो रहा, 2022 में। तो इसरो जो है अपने आप में एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग संस्था है जो हमारे यहाँ काम करती है। यही कौन थे दोस्तों, यही है के सिवन, यही के सिवन है, और इनको रिप्लेस करके ये कब बने थे इसरो के, तो 2018 में। इनका कार्यकाल 7 जनवरी को समाप्त हुआ था, और उसके बाद विक्रम साराभाई में जो थे उनको एस सिवन को, नए इसरो के एस सोमनाथ को बनाए गए। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एस सोमनाथ को इसरो के नए चीफ बनाए गए। तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए, तो जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट का साथियों, तो इनके बारे में भी हम देख लें कि रिसेंट में किन किन को नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले ये है राजकुमार राव। तो आपने राजकुमार राव का नाम सुना होगा, और राजकुमार राव अपने शादी के लिए बहुत चर्चे में रहे थे। चर्चे में क्यों रहे थे, जनरली लड़कियों को मंगलसूत्र पहनाया जाता है, ये खुद मंगलसूत्र पहन लिए थे। तो ये राजकुमार राव हैं जिनको अभी रिसेंटली किनको बनाया गया है, तो रेन्यू बाय का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो रेन्यू बाय का इनको क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
उसके बाद हम बात करते, ये हमारे आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर है, गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, इनका नाम है उर्जित पटेल। और ये उर्जित पटेल साहब ये अभी जो है किनके अभी बनाए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो ये इनको नियुक्त किया गया दोस्तों, ये कहां के बने हैं, तो AIIB, मतलब ये AIIB कहां की बैंक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और ये चाइना में इसका मुख्यालय है, चाइना में इसका कहां है मुख्यालय है, बीजिंग में, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है AIIB का। और जिन लिक्विन का आपने नाम सुना होगा, जिन लिक्विन इसके कौन है, हेड है। तो अपॉइंटमेंट की जब बात हो रही है तो मैं इसको और डिटेल में पढ़ा देता हूं। ये फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, भूतपूर्व आरबीआई के कौन रह चुके हैं, गवर्नर। और अभी हमारे आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर कौन है साथियों, तो 25th नंबर के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो है ये किसके गवर्नर है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है, ठीक है। तो उर्जित पटेल जी को किनका बनाया गया है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जहां पर मुख्यालय इसका चाइना में है। और चाइना में है तो इसका जिन लिक्विन जो है इसके मेन हेड है, कौन, जिन लिक्विन। अब अगर हम बात करते हैं ये कौन है दोस्तों, तो याद करिए हमने आपको बोला था इनका नाम क्यों चर्चे में है, और ये कल ही हमने आपको इनके बारे में पूरा डिटेल में बताया था। ये पियरे का आपने नाम सुना होगा, पियरे, तो पियरे ये जो है ओलिवर पियरे ओलिवर अभी किसके बने दोस्तों, आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिक्स बने हैं, चीफ इकोनॉमिक्स इसके किसके बने हैं, चीफ इकोनॉमिक्स पियरे ओलिवर। ये कहां के थे दोस्तों, ये फ्रांस के थे। और कल ही मैंने बोला था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ इकोनॉमिक्स कौन बने, मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने, तो ये जो चीफ इकोनॉमिक्स बने हैं इनका नाम है पियरे ओलिवर। तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखेगा पियरे ओलिवर को। और ये किसके जगह बने हैं, तो गीता गोपीनाथ की जगह इनको बनाया गया, गीता गोपीनाथ जो भारतीय मूल की पहली महिला IMF चीफ इकोनॉमिक्स थे, उनका नाम था गीता गोपीनाथ। तो बिल्कुल आप लोग सभी लोग इसका नाम लिखते जाएगा। चलिए दोस्तों हम और एक अपडेट कर ले, तो अभी हाल ही में पूछा गया कि बताइए कि अभी जो है इनको किसे बनाया गया है, तो CAPP का इनको किन्हें बनाया गया है, तो उनका भी नाम जरूर लिखिएगा। तो विजय पॉल जो है CAPP मतलब कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये अभी तुरंत रिसेंट में बनाया गया, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस बोलते हैं। ये अभी जो बनाया गया है किनको बनाया गया, विजय पॉल को बनाया गया। तो विजय पॉल इनके अभी हेड बने। अभी हाल ही में ब्रांड एंडोर्सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इनको किनको बनाया गया, शेफाली। तो शेफाली का नाम सुना होगा, तो शेफाली जरीवाला, तो शेफाली वर्मा, तो शेफाली वर्मा को किसका बनाया गया है, तो ये बनाया गया दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का, इनको बनाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा का। उसके बाद बोला डायरेक्टर जनरल ऑफ नमामि मिशन गंगा, तो क्लीन गंगा का भी किनको बनाया गया दोस्तों, इसका भी नाम याद रखिएगा, जी अशोक कुमार को। नमामि गंगे के किसको बनाया गया, जी अशोक कुमार को बनाया गया है। तो जी अशोक कुमार किसके बने हैं, नमामि गंगे के। प्रेसिडेंट ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल, आपको भी पता है इसको बोलते हैं USIBC, USIBC का भी प्रेसिडेंट किनको बनाया गया दोस्तों, अतुल कश्यप को बनाया गया। तो अतुल कश्यप को जो है ये बनाया गया है किसका, तो इनका बनाया गया USIBC के हेड बनाया गया, किनको, अतुल कश्यप को। उसके बाद आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किनको बनाया गया दोस्तों, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बनाए गए हैं किसके, तो आरबीआई के फटाफट, तो एक दो लोगों को बनाया गया, तो एक तो है दोस्तों दीपक कुमार को बनाया गया है, और दूसरे हैं दोस्तों अजय कुमार चौधरी। दूसरा कौन है, तो दूसरे आप लिखिएगा अजय कुमार चौधरी, और दूसरे बने हैं दोस्तों आरबीआई के, ये मैंने पूरा अपॉइंटमेंट लिख दिया, सभी लोग फटाफट नोट करिए। हाँ जी, नोट करते जाइएगा सभी को। हाँ जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। चलिए, बोर्ड ज्यादा ब्राइट है दिख नहीं रहा, चलो मैं मार्कर को थोड़ा डार्क कर लेता हूं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्कर मैंने थोड़ा डार्क कर लिया, ठीक है, तो मार्कर डार्क कर लेते हैं, फिर अपन देख लेंगे।
है। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बोल भी देता हूं तो आप नोट कर सकते हैं। तो विजय पॉल जो हैं किसके चेयरमैन रीअपॉइंट किए गए हैं, सीएसीपी का। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर किसके, तो ब्रांड एंडोसर। तो ये देखो एक्चुअल में क्या है, इंसॉल्वेंसी के लिए बनाया जाता, तो वो शेफाली वर्मा को बनाया गया। उसके बाद नेशनल नमामि गंगे क्लीन गंगा का किसे बनाया गया, जी अशोक कुमार को बनाया गया। उसके बाद यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के किन को बनाए गए हैं, अतुल कश्यप को बनाया गया। उसके बाद बोला गया नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अभी बने हैं आरबीआई में, तो वो दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी जी को बनाया गया। तो बिल्कुल आप लोग इसे याद रखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में बोला गया कि आंध्र प्रदेश सरकार गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है दोस्तों रिटायरमेंट एज। अब रिटायरमेंट एज इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, तो बताइए कितने साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तो रिटायरमेंट एज जो बढ़ा दिया गया दोस्तों, ये कितने साल कर दिए गए, 62 ईयर कर दिया गया। मतलब सोचिए कि पहले यहां पर 60 साल था और उसको 2 साल और बढ़ा दिया गया, तो 62 ईयर बढ़ा दिया गया है। और ये एज इनका बढ़ाकर अब कितने कर दिए गए, 62 साल कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, तो वहां के सीएम है दोस्तों जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। तो जगन मोहन रेड्डी साहब जो है ये कहां के हैं सीएम दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के जो वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर कौन है दोस्तों, वहां के जब हम राजधानी की बात करते हैं तो अमरावती का आपने नाम सुना होगा। तो अमरावती वहां की क्या है, राजधानी है ये। और इससे इसी राज्य से कौन सा राज्य अलग हुआ, तेलंगाना जो है इसी से अलग हुआ है। तो अमरावती जो इसका नया कैपिटल है, हालांकि पुराना कैपिटल अभी भी क्या है दोस्तों, हैदराबाद, जो 10 साल के लिए इनको कंबाइंड कैपिटल बनाया गया था जब तक इनका नया कैपिटल घोषित ना हो जाए। क्लियर है सबको? हाँ जी, इसी के बेस पर हमको अच्छे से रीड भी करना, कोई दिक्कत किसी को। सभी लोग जुड़ते जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब देखो जब हम बात करते हैं एज बढ़ाने का, तो एज जो यहां पर बढ़ाया गया, तो वो एज जो बढ़ा है साथियों, तो उनके एज को कैसे बढ़ाया गया और ये काम कैसे करता, उसी के बेस पर हम इसको लेके चलते हैं। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले इसका एज लिख लीजिएगा। उसी तरह तेलंगाना की जब हम बात करते हैं, तो तेलंगाना सरकार ने भी 58 साल से बढ़ाकर इसे 61 साल कर दिया था। धीरे धीरे ये एज हर कोई राज्य जो है बढ़ा रहा। अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपना एज को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार भी एज को कितना कर दिया है, 62 ईयर कर दिया है। तो सीधी सी बात है, हर सरकार अपनी एज जो सेवानिवृत्त जो एज होता है वो धीरे धीरे एक्सटेंड करते जा रहे। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो 56 साल में ही रिटायर कर देता है, तो वो राज्य है दोस्तों केरल, और दूसरा है झारखंड। तो झारखंड और केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां पर कर्मचारी को 56 साल में ही रिटायर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर हम एज की बात करें तो उनकी एज का रिटायरमेंट होता है 60 साल, और 58 साल एज लिमिट किसका है दोस्तों, तो एक आपने तमिलनाडु का नाम सुना है, तो तमिलनाडु जो है वहां पर 58 साल है, अरुणाचल प्रदेश का 58 साल है, गोवा में भी रिटायरमेंट एज 58 साल है, और महाराष्ट्र में भी रिटायरमेंट एज 58 साल है। ये सारे जो स्टेट है जहां पर ये दिया गया, और 60 साल वाले कौन कौन से हैं, तो आपने कर्नाटक का नाम सुना है, कर्नाटक हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश तो खैर अब बढ़ा चुका है, हरियाणा हो गया, ये सारे राज्य ऐसे हैं जिनके एज लिमिट जो है रिटायरमेंट का वो अलग अलग है। लेकिन सबसे कम देखा जाए तो इसमें 56 साल केरल का है। और अगर मैं आगे की बात करूं दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि भारत पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत सबसे कम उम्र में लोगों को रिटायरमेंट दे देता है। तो सबसे कम उम्र में लोगों को रिटायरमेंट कौन दे देता है, इंडिया। तो इंडिया सबसे कम उम्र में रिटायरमेंट देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्राजील, ब्राजील में जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65 साल का होता है, और चाइना में इसको 60 साल। वहां पर महिला और पुरुष का रिटायरमेंट एज जो है अलग अलग रहता है। महिला और पुरुष का रिटायरमेंट एज क्या होता है साथियों, अलग अलग रहता है, ठीक है। और इसी पर ये होता है,
ठीक है। आप देखिए हमारे पास यहां पर फ्रांस में चले जाइए तो यहां पर 67 साल का होता है, उसके बाद जर्मनी में चले जाइए तो यहां भी 67 होता है, इंडिया में इसी एज को धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब में अब 60 साल कर दिया गया है, और अमेरिका में चले जाओ वहां तो 67 साल का रहता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यूएस क्वार्टर में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सा है, यूएस क्वार्टर में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो ये आपको जानकर बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये न्यूज है याद रख लेना, माया एंजेलो। तो माया एंजेलो एक पोएट थी और सोशल एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था माया एंजेलो। तो माया एंजेलो जो है ये एक तो सोशल एक्टिविस्ट थी और दूसरा ये कौन थी साथियों, तो ये जो है पोएट भी थी, और इनको 2010 में जो बराक ओबामा थे प्रेसिडेंटल मेडल भी मिला था, प्रेसिडेंटल मेडल भी इनको मिला था, और ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी है। और अभी इतना ज्यादा चर्चे में इसलिए दोस्तों क्योंकि फीचर क्वार्टर का मतलब समझते हैं, तो यूएस का फीचर क्वार्टर हम किसको बोलते हैं, क्योंकि जो वहां पर क्वाइन जो मिंट किया जाता मतलब जो पैसे रुपए जो डॉलर जो होते हैं जैसे सिक्के होते उन पर इनका फोटो आएगा, और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति जो है बराक ओबामा ही बने थे, बराक ओबामा ही बने थे पहले अश्वेत राष्ट्रपति, और उसके बाद पहली वाइस, अभी अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं दोस्तों तो अभी वाइस प्रेसिडेंट पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वो कौन है, कमला हैरिस, कमला हैरिस हैं। तो ये भी आपको पूरा अच्छे से याद रहना चाहिए, तो इनका भी जो है पूरी तरह से क्वाइन पर देखा जाता है। क्लियर है सबको? हाँ जी, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़े। तो इनको अब जो है माया एंजेलो को अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यहां पर क्वार्टर डॉलर में रखा जाएगा, तो क्वार्टर डॉलर जो है इसमें इनको दिया गया। ये वाकई में अपने लिए एक बहुत ही सराहनीय स्टेप है जो गवर्नमेंट वहां उठा रही है, और वहां के कौन है, जॉय बाइडन। तो जॉय बाइडन कौन है दोस्तों, तो वहां के प्रेसिडेंट है जॉय बाइडन, और कमला हैरिस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, और कमला हैरिस बंगला बनाम भारतीय मूल की है, तो इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है, कमला हैरिस। बिल्कुल आप लोग याद रखिए और इसको शेयर भी करते जाइए। हाँ जी, क्लियर है? कोई बात नहीं है, बस पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी स्टेप है, और अगर अमेरिका स्टेट अगर ऐसा ये उठा रहा है तो एक तरह से बोला जाता है कि जो बराबरी का वो होना चाहिए, ये उनके स्टेप है। ठीक है, चलिए साथियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और बोला गया दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट इंडेक्स में किस देश का रैंक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसका रिपोर्ट देती कौन है, तो हेनले, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, तो पासपोर्ट इंडेक्स हेनले ये पासपोर्ट इंडेक्स एक रिपोर्ट देती है, और पासपोर्ट इंडेक्स सूची में ये जो रिपोर्ट देता है ये कहां की है दोस्तों, तो ये लंदन बेस कंपनी है, तो लंदन बेस है जो ये रिसर्च करती है पूरे दुनिया में। और अभी क्या हुआ है, एक रिपोर्ट में बोला गया कि सबसे बेस्ट अगर कोई कंट्री है तो वो है जापान, तो जापान जो है ये पहले नंबर पर है, और जापान फर्स्ट पर है, और दूसरा आपने सिंगापुर का नाम सुना होगा, तो सिंगापुर भी फर्स्ट पर है, तो जापान जो है सबसे ज्यादा पासपोर्ट इंडेक्स में जापान हमेशा टॉप पर रहता है, क्योंकि ये लगभग 192 कंट्री को पासपोर्ट मतलब वीजा फ्री एंट्री देता है। तो बाकी में ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई फ्लेक्सिबल अगर देश है तो वो देश कौन है दोस्तों, जापान। और जापान और सिंगापुर अपने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके रखा है, उसके बाद तो पासपोर्ट इंडेक्स में अलग अलग देश है ही, तो इसलिए याद रखिएगा सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन हमारा यही है। क्लियर है सबको? तो पासपोर्ट इंडेक्स में जब हम बात करते तो भारत का रैंक क्या है, हमारे देश में भी तो हम लोग परमिशन देते हैं, तो देखो पासपोर्ट इंडेक्स में ये होता कि कोई भी यहां पर आके विजिट करे और घूम के जाए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है तो इंटरनेशनल अथॉरिटी एयरपोर्ट एसोसिएशन, इसका रिपोर्ट किसके थ्रू दिया जाता है, तो इंटरनेशनल जो होते हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन बोलते हैं, और इन्हीं के द्वारा पूरा डेटा को रिलीज किया जाता है कि इस साल कितने देश ने परमिशन दिया। और जब हम भारत की बात करें दोस्तों
तो भारत का रैंक इस बार हमारा 83 नंबर पर है। इससे पहले इंडिया जो था 90 नंबर पर था 2021 में, और अब भारत का रैंक में बहुत सुधार हुआ है और सुधार के बाद ये 83 नंबर पर है। कौन? भारत। तो पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया जो है जबरदस्त उछाल किया है, 93 से अपनी रैंक को बढ़ाकर कहां चला गया, 90 से बढ़ाकर ये मस्त रैंक आ गया 83 नंबर पर। और हम लगभग 60 देशों को परमिशन देते हैं, किसके लिए, तो एयरपोर्ट के विजिट करने के लिए, मतलब उसमें मतलब फ्री वीजा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है जापान, जापान जो 192 कंट्री, सिंगापुर 190, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इटली, ये सारे जो टॉप 5 देश हैं इनके ये पूरा लिस्ट है, लिस्ट को जरूर लिखिएगा। सबसे खराब परफॉर्मिंग कौन सा देश है दोस्तों? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है सबसे खराब परफॉर्मर है, पर खराब परफॉर्मर इसलिए क्योंकि मात्र 11 देश को ही ये परमिशन देता है वहां पर वीजा फ्री के लिए, केवल 11 देश को ही परमिशन देता है। और हमारा भारत महान, तिरंगा के साथ हमारा पासपोर्ट है, इसलिए बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए। देखो जो मैं बता रहा हूं उसको बस लिखते जाना। हाँ जी एंजल शुक्ला जी, बिल्कुल बिल्कुल डेली वाला है, डेली वाला स्टार्ट हो चुका है, जिनको नहीं पता वो लोग बिल्कुल डेली 7 बजे आ जाइए और डेली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा रिपोर्ट किसके बारे में? सिंगापुर। तो इस साल सिंगापुर जापान दोनों स्टेबल है, 185 देशों में परमिशन देने वाला यूके और यूएसए है, चाइना 79 कंट्री को परमिशन देता है, और उसके बाद इराक, उसके बाद सबसे खराब देखा जाए तो अफगानिस्तान है, सीरिया अफगानिस्तान, ये टॉप बॉटम में ये सारे देश हैं दोस्तों। सोमालिया का रैंक देखा जाए, अफगानिस्तान 111वें नंबर पर है, जो अफगानिस्तान का सबसे खराब है, जो सॉरी 111 नंबर पर है, लेकिन ये 26 देशों को परमिशन देता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको एक साथ बता दिया। यहां पर सिंगापुर है 190 देश के साथ, जर्मनी, साउथ कोरिया, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन जो है ये 189 पर है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस और नीदरलैंड, ये 188, ये जो देश है ये देश को परमिशन देता है। कितने देश को परमिशन देता है? तो ये 190 देश, 179 और 188, और 187 देश को आयरलैंड देता परमिशन। तो भारत का जो रैंक है इसमें बहुत कम है, कम मतलब ये है कि फिर भी हम लोग देते हैं। हाँ जी क्लियर है सबको? सभी लोग इसको जरूर एक बार शेयर करिएगा वीडियो को, अपने पड़ोसी को भी भेजिए, जो लोग इधर उधर मतलब भटक चुके हैं उनको जरूर भेजिएगा, क्योंकि अब हमारा करंट अफेयर्स का पूरा रैपिड फायर भी स्टार्ट हो गया और डेली जो घटनाएं घट रही जनवरी का वो भी स्टार्ट हो गया। बोला गया बताइए किस शहर ने ओमिक्रॉन प्रसार को रोकने के लिए एक कोविड मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू किया गया? देखिए एक ऐसी शहर है जिसने अभी एक प्रतियोगिता रखा है और कोविड को मुक्त करने के लिए, कोविड फ्री विलेज, और कोविड फ्री विलेज के लिए इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, और ये प्रतियोगिता जो शुरू किया गया है तो सीधी सी बात है किसके द्वारा इसे शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र का एक शहर है, तो महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है पुणे, तो महाराष्ट्र का शहर है पुणे, तो वहां पर गांवों में कोविड फ्री का एक प्रतियोगिता किया जा रहा है। अगर जो गांव पूरी तरह से ओमिक्रॉन और कोरोना से मुक्त होगा उसको पहला प्रथम प्राइज जो दिया जाएगा वो 50 लाख का प्रथम प्राइज होगा, दूसरा जो होगा 25 लाख का होगा, और तीसरा जो होगा वो 15 लाख का होगा। मतलब इस तरह से टॉप 3 देशों को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर है सबको? और इसी पर ये पूरा ये चलता है, कोई दिक्कत। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, और यही पुणे शहर है, और पुणे को अभी आईटी के नाम से बहुत जाना जाता है, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिस तरह से बेंगलोर चर्चे में रहता है उसी तरह आईटी के हब में पुणे भी बहुत ज्यादा चर्चे में रहता। हाँ जी क्लियर है सबको? चलिए सभी लोग जुड़ते जाइए, हर चीज मैंने आपको बोला। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला बोला गया कि बताइए हाल ही में गंगा सागर मेला, तो आप बोलते हैं ना सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो ये गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और अभी कोरोना में बहुत ये मकर संक्रांति का जो माहौल होता उसमें ये गंगा सागर मेला लगाया जाता है। तो गंगा सागर मेला 2022 का जो है इसका पूरी तरह से कहां पर ये मनाया जा रहा है और किस राज्य का सबसे बेस्ट ये माना जाता है, जहां पर लगभग
चार पांच लाख लोग बल्क में वहां पर भीड़ जुटाते, तो वहां की हाईकोर्ट ने वहां पर परमिशन वो रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि वहां पर कोरोना के सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट साहब को क्या पता कि ये भारतीय हैं, भारतीय मेले ठेले में तो दे धक्के लेके चलते हैं, उनकी सांसें उनमें घुस जाए पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए गंगा सागर मेला अभी किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो गंगा सागर मेला दोस्तों कहां का है, तो ये वेस्ट बंगाल का है। तो वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला जो है ये मनाया जा रहा है और अपने आप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, खास करके कहां पर, पश्चिम बंगाल में। और ये मकर संक्रांति जो होता है उसके लिए ये सबसे ज्यादा फेमस होता है, मकर संक्रांति। तो कहने का मतलब ये है कि कहां पर, वेस्ट बंगाल में। और वहां के कौन है सीएम, तो ममता दीदी, तो ममता बनर्जी जो है ये वहां के कौन है सीएम है। और वहां के गवर्नर कौन है, जगदीप धनकर, जगदीप धनकर साहब जो है ये कौन है, ये वहां के गवर्नर है, तो जगदीप धनकर याद रखिएगा। और यहां की राजधानी कहां, कोलकाता, कोलकाता है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने ही बोला है कि गंगा सागर मेले में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वेस्ट बंगाल में ये सारी चीजें हैं, सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, इसका स्लोगन ही है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इसलिए जो देख रहे हैं वो लोग गंगा सागर भी जाएं और देखें क्या है, क्लियर है सबको। हाँ जी, हमने विनर्स छोड़ दिया है, बिल्कुल बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर जॉब छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया है, ये हमारा खुद का चैनल है, ये अपना चैनल है माइंड फोर एकेडमी। तो एम फोर में सबका स्वागत है जो लोग लेट से जुड़े हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, आगे की ओर बढ़े क्या हमसे। तो बोला गया यूनेस्को ने अभी हाल ही में, बहुत शानदार न्यूज है साथियों, यूनेस्को ने अभी हाल ही में पब्लिश किया डिस्क्रिप्शन। और आपको जानकर खुशी होगा कि इस बार का जो डिस्क्रिप्शन जो लॉन्च किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, अपने वेबसाइट पर किस लैंग्वेज में लॉन्च किया है, और ये भारत की मान के चलिए अभी तक पूरी तरह से, बोलते हैं ना अभी हम लोगों ने हाल ही में वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया था, विश्व हिंदी दिवस हम लोग कम मनाते हैं दोस्तों, तो विश्व हिंदी दिवस जो हमने सेलिब्रेट किया था वो कब किया था, 10 जनवरी को। और 10 जनवरी को जो हम लोगों ने विश्व हिंदी दिवस मनाया, तो यूनेस्को जो बोलते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, देखना इसका फुल फॉर्म जरूर आपसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, एजुकेशन साइंटिफिक, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में जब शामिल की बात करते हैं, तो ये जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में इन्होंने भाषा, किस भाषा को, हिंदी भाषा से अब हमारा पूरे वर्ल्ड हेरिटेज को पूरा साइट पर दिखाया जाएगा। तो ये वाकई में हमारे लिए एक बहुत ही गौरवान्वित वाली बात है कि अब जो है जितने भी हमारे धरोहर होंगे, विश्व धरोहर स्थल का विवरण अब किसमें किया जाएगा दोस्तों, हिंदी भाषा में इसका विवरण किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाएगा। और खुद ये यूनेस्को ने इसके ऊपर पूरा डिसीजन लिया, क्लियर है सबको। हाँ जी, सभी लोग जुड़ते जाइए, और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग जुड़ते जाइए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पूरा फोड़ा फाड़ी अगर करना है तो हमें तो मेहनत करना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूर आप इसको जुड़िए और इसको अच्छे से लेके चले। चलिए दोस्तों, तो यूनेस्को का बता सकते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में, और पेरिस किसकी राजधानी है साथियों, तो ये फ्रांस की राजधानी है। 1945 में इसकी क्या हुई थी, तो स्थापना हुई थी, और इसके अभी हेड कौन है दोस्तों, आंद्रे अजोले, तो आंद्रे, तो आंद्रे अजोले, अजोले जो है ये इसके कौन है साथियों, तो ये इसके हेड हैं, आंद्रे अजोले किसके हेड हैं साथियों, तो ये यूनेस्को के। और विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग 10 जनवरी को मनाते हैं, तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों, तो युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इसी साल कौन सा राज्य जिसने रोजगार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो रोजगार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, कि हर साल जो है इसे क्या मनाया जाएगा साथियों,
रोजगार दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो पूरा स्टैटिक जीके के साथ हम लोग रिसर्च करने जा रहे हैं, क्लियर है सबको। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि भारत जो है इसमें पूरी तरह से जो बोलते हैं ना परमानेंट तरह से जो जुड़ा था 1977 से हमारे यहां वर्ल्ड हेरिटेज, तो वर्ल्ड हेरिटेज में हमारी लिस्टिंग होना शुरू हो गई थी। और बाकी में यूनेस्को जो है सबसे पहला अजंता केव, अजंता की गुफा, ये आपसे खूब पूछा जाता है। और हाल ही में जो एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अजंता की गुफा कहां पर है महाराष्ट्र में, एलोरा की भी गुफा कहां पर है दोस्तों, तो ये भी कहां पर है महाराष्ट्र में है। उसके बाद आगरा फोर्ट कहां पर है उत्तर प्रदेश, ये सारे किस्में जुड़े हैं यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में। ताजमहल कहां है आगरा, और ये पूरे दुनिया के विश्व मतलब विश्व के 7 धरोहर में से एक में रखा जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सन टेंपल कहां का है साथियों, तो सन टेंपल कहां का है कोणार्क मंदिर। सूर्य टेंपल कहां है पूरी डिस्ट्रिक्ट में है जो उड़ीसा में। उसके बाद महाबलीपुरम ये कहां है दोस्तों, तमिलनाडु में है महाबलीपुरम, और तमिलनाडु में महाबलीपुरम बहुत ज्यादा फेमस है याद रखिएगा, ये भी यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल है। काजीरंगा अभ्यारण्य, तो काजीरंगा अभयारण्य कहां पर है दोस्तों असम में है। उसी तरह असम में मानस नेशनल पार्क को भी यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। उसके बाद याद रखिए केलो, केलोडो की नेशनल पार्क ये कहां पर है दोस्तों, केलोदेव नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, तो ये भी यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल है। तो बिल्कुल याद रखिएगा जो हम डेटा डिस्कस कर रहे हैं साथियों इसको जरूर एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। चलिए तो ये हमारे पास है पूरा अजंता का केव, ये हमारा हम्पी विथ चैरियट, तो किस रूपे पर हम्पी विथ चैरियट है। उसके बाद हुमायूं का टॉम्ब हो गया, उसके बाद सन टेम्पल हो गया, खजुराहो का हो गया, खजुराहो कहां दोस्तों तो मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं। खजुराहो मतलब किसकी बात करते हैं साथियों, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बुद्धिस्ट मोनूमेंट ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद आपने देखा होगा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी शामिल किया गया, फतेहपुर सिकरी का आपने नाम सुना होगा, तो ये सारे चीजें, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी शामिल किया गया, तो ये सारे वर्ल्ड के हेरिटेज में शामिल है। और सबसे फेमस है नालंदा, तो नालंदा जो है ये विश्व धरोहर में ये भी यूनिवर्सिटी शामिल है। चलिए दोस्तों हाल ही में आगे की ओर बढ़े। हाँ जी बिल्कुल, हिंदी हमारी आन बान शान है और हर जन मानुष के लिए एक आवाज बनना चाहिए, तो हिंदी दिवस हमारे जन जन कण कण मन मन में बसना चाहिए। बोला गया पश्चिमी अफ्रीका देशों ने, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब ये भी शानदार न्यूज है, बोला गया पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने चुनावों में देरी को लेकर किस अफ्रीकी देश के साथ अपने संबंध को तोड़ने की घोषणा की है। तो कौन से देशों के साथ अपने संबंध को तोड़ने की घोषणा किया, वो है दोस्तों माली। तो माली के साथ जो है अपना रिलेशन को तोड़ने की घोषणा की, जितने भी वेस्ट अफ्रीकन देश होता है, तो वेस्ट अफ्रीकन देश ने पूरी तरह से इससे अपने नाते रिश्ते तोड़ने का घोषणा कर दिया। रीजन ये है कि यहां पर चुनाव 2020 में ही होना था और बढ़ते बढ़ते जो है 2021 बीत गए, 2022 आ गया, इसलिए वेस्ट अफ्रीकी देश ने बहुत बड़ी नाराजगी जताया, बोले भाई साहब या तो तुम बदल लो नहीं तो हम तुम्हारे लिए बदल जाएंगे। तो सोचो बाकी में ये माली जो है इतना ज्यादा क्यों ज्यादा फेमस है, और माली की राजधानी है दोस्तों बुमाको, तो बुमाको जो है ये माली की क्या है राजधानी है, ठीक है। देखना इंडोनेशिया अलग है, इंडोनेशिया का बाली अलग है, तो बाली शहर अलग है, ये इसका माली खुद में एक हमारा देश होता है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, और यही सारे देशों ने इनको पूरी तरह से बायकॉट करने की घोषणा कर दी है। चलिए साथियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और बोला गया भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले, किस देश के साथ 2030 से पहले $50 बिलियन का जो है पूरी तरह से आपस में एक MOU साइन करेगा, $50 बिलियन। तो $50 बिलियन का व्यापार लक्ष्य भारत ने किसके साथ शामिल किया है, तो सभी लोग काम बताइए कि सैमसंग जो है कहां की कंपनी है, तो सैमसंग जहां की कंपनी है दोस्तों उसी के साथ हमारा $50 बिलियन का एक व्यापारी समझौता मतलब एक लक्ष्य रखा गया। तो सीधी सी बात है $50 बिलियन, तो $50 बिलियन जो हुआ वो साउथ कोरिया के साथ हुआ है,
साउथ कोरिया की राजधानी कहां पर है दोस्तों? सियोल। तो सियोल जो है ये साउथ कोरिया की क्या है? राजधानी है। कुछ लोग बेचारे आते हैं जाते हैं, तो आने जाने वाले जो लोग हैं ना वो मजे ही लेते रहते हैं। इसलिए अगर आए हो ना तो एक घंटे कंटिन्यू रहो, क्योंकि इसके तुरंत बाद राम सर का लेक्चर है एमपी जीके विथ करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, ये जो आपको कॉम्बो पैक मिल रहा है ना उसका पूरी तरह से मजे लो, क्योंकि ये वाकई में बहुत कम जगह मिलता है। बोला गया भारत में किस महीने राष्ट्रीय नव विचार सप्ताह मनाया जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय नव विचार सप्ताह जो है दोस्तों 10 जनवरी से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में एक सप्ताह के लिए मनाया जा रहा है, और वो हमारा दोस्तों राष्ट्रीय इनोवेशन वीक और नेशनल इनोवेशन वीक के नाम से मनाया जा रहा है। और इसी में दो डेट तो एक साथ हमारे पास आते हैं, एक तो हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, और दूसरा दोस्तों हम 12 तारीख को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये दोनों दिवस जो हम लोग मनाते हैं, इसीलिए सोचना सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? युवाओं के ऊपर हमें सोचना बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको? हाँ जी, बिल्कुल जुड़े रहिए और अच्छे से मजे लीजिए। और इनोवेशन वीक जो है मनाया जा रहा है ड्रीम क्रिएट और इंस्पायर, इसका पर्पस ही है ड्रीम। आप ड्रीम करो, हम उसको क्रिएट करेंगे और हम उसको इंस्पायर भी करेंगे। तो ड्रीम क्रिएट और इंस्पायर जो है ये लाया गया। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लास्ट ही है टारगेट ओलंपिक पैडेमिक, तो सॉरी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, जिसको हम लोग टॉप्स बोलते हैं। तो टॉप्स में जो है इसमें टॉप में जो है कितने मतलब एथलीटों को शामिल किया गया वर्तमान में? तो 301 एथलीट को टॉप में शामिल किया गया। तो बिल्कुल आप लोग इसको भी याद रखिएगा। टॉप क्या होता है? ये टारगेट ओलंपिक, टारगेट ओलंपिक में जो भी प्लेयर इसमें शामिल होते हैं साथियों, उसको भरपूर तरीके से प्रैक्टिस कराया जाता है, ताकि अगला जो ओलंपिक होने वाला हो वो चाइना ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक जिसको बोलते हैं, उसमें भारतीय एथलीट परफॉर्म कर सके। चलिए साथियों इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोला गया इसमें से किसे 12वें भारत रत्न का, भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, और ये कहां का पुरस्कार है? तो पहले ये पता होना चाहिए, ये दोस्तों कहां का पुरस्कार है? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, और ये पुरस्कार दिया गया भारत रत्न के जैसा ही होता है, डॉक्टर अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2022 पुरस्कार। ये किसको दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा। हर्षाली मल्होत्रा वही है दोस्तों जो बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल प्ले की थी, और इनको जो है 12वें नंबर का क्या दिया गया है? तो ये बेस्ट एक्टिंग के लिए। वही बजरंगी भाईजान कब आई थी मूवी? 2015 में, और उस समय जब ये मूवी आई थी तो उस समय बहुत चर्चे में रही थी, और इसीलिए इनको डॉक्टर अंबेडकर ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यही मुन्नी है, और ये बजरंगी भाईजान जो ये मूवी आई थी बहुत ज्यादा चर्चे में आई थी, और इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा, अब बहुत बड़ी हो चुकी है। तो ये जो आपको दिया गया था इसका बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है सबको? बोला गया हाल ही में फिनटेक के लिए आरबीआई के विभाग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया साथियों? तो फिनटेक देखो आजकल एक बहुत शानदार आ रहा है। फिनटेक का मतलब होता है एक तरफ से बैंक में फाइनेंस हो और दूसरी तरफ किसकी बात हो? टेक्नोलॉजी की बात हो। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ, इसका मतलब ये हुआ जैसे बिटकॉइन की बात करते हैं, तो इसमें देखो बिटकॉइन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी है, लेकिन काम किसके लिए करता है? फाइनेंस के लिए काम करता है। तो बिटकॉइन और फाइनेंस के लिए जो काम करता है, तो अभी हाल ही में ये किनको बनाया गया डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसका? आरबीआई का, वो है अजय कुमार चौधरी। तो अजय कुमार चौधरी जी को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिनटेक के विभाग का प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और अभी फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे यूपीआई पेमेंट सिस्टम हो गया, आपका एनपीसीआई हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, ये सारे जो माहौल आजकल बन रहे हैं साथियों, वो किसके बारे में बात कर रहा? फाइनेंस टेक के बारे में बात कर रहा। चलिए तो फाइनेंस टेक का मतलब कि सीधी सी बात है, आरबीआई का मानना यह है कि हम फाइनेंस के साथ टेक्नोलॉजी दोनों को हम जोड़ेंगे। अब जो नए टेक्नोलॉजी होगा, जो बनने वाले होंगे, वो सारे फिनटेक का होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल
एक अप्रैल 1935 को जरूर नोट कर लीजिएगा भाई साहब, नहीं तो ये फोड़ा फारी हो जाएगा पेपर में। उसके बाद इसकी स्थापना, और एक पूछा जाता है तो दोस्तों इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को। हमारे यहाँ कानून कब बनी थी इसकी, 1934 एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खुद का कानून है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बोला जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर है साथियों, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके कौन है हेड 25वें नंबर के गवर्नर। जितना बार पढ़ो करंट अफेयर्स, नियम ही कहता है कि आपको बस याद होना चाहिए। शक्तिकांत दास जी कौन है दोस्तों, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है गवर्नर है। बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए फोड़ा फाड़ी करना, डेली सुबह 7 बजे आ जाइए, और इसीलिए हमने सारी लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रशेखर पाटिल पॉपुलरली नाउन है किसके लिए, चंपा के नाम से। ये किस भारतीय भाषा के रूप में थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, तेलुगु भाषा के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा रहा, जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो माइंड फोर एकेडमी पर बिल्कुल जुड़िए, और बहुत जल्द हमारा जो है एप्लीकेशन आने वाला है साथियों। तो एप्लीकेशन हो सकता है कि विद इन आपको वीक के अंदर हमारे ऐप भी आ जाएंगे, और पूरी तरह से धमाकेदार हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं बिल्कुल बने रहिए। और अभी राम सर का लेक्चर है करंट अफेयर्स, किसका, एमपी जीके, साथ में आपको करंट भी चलेगा। तो इसलिए कॉम्बो पैक जो सुबह सुबह मिल रहा है ना, 7 से 8, 8 से 9, उसको लेना मत भूलिए। और शाम में आपका जो है साथियों रीजनिंग का भी रहेगा, जिसमें से 5, 6 से 7 आपका जय सर का रहेगा मैथ्स। मैं आपको बता देता हूं कि 6 से 7 आपका जो जय सर है, जय सर आपको मैथ्स लेंगे 6 से 7 में, और जय सर आपको मैथ्स वही लेंगे जो अभी पेपर में पूछा गया है। और उसके बाद 7 से 8 मेरा खुद किसका रहेगा साथियों, रीजनिंग का रहेगा, जो हमारा कथन और पूर्व धारणाएं और कथन और तर्क को जिस तरह से आपने प्यार दिया है उसी तरह से धमाकेदार अब हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे, लेकिन पहले पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला आज होगा कथन कार्यवाही। तो कथन कार्यवाही चलेगा 7 से 8 में, और 8 से 9 में दोस्तों आज का शेड्यूल में आपका जो है ये संविदा वर्ग रहेगा, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा जो अभी आने वाले हैं पेपर, जिनका मार्च में होने वाला है प्रदीप सर के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग जरूर लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर कैसा रहा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, जाना नहीं अभी, क्योंकि राम सर बहुत जल्द आ रहे हैं, तो वहां जाइए, और राम सर के चैनल बोलते हैं जो वहां पर पेज है उस पर आइए। बिल्कुल ठीक है, चलिए, जय हिंद साथियों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।